अच्छा यहाँ पे ना लाइट नहीं है, तो इन केस अगर आप लोग को मेरी आवाज कम आ रही है या बीच में एकदम से स्क्रीन दिखना बंद हो जाए तो मेरे को तभी बता देना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि वो हो जाए। यस ओके। मैम, यस मैम, 15 हो रहे हैं, 17 पे स्टार्ट करेंगे, जब तक कोई और स्टूडेंट है उन लोग को ज्वाइन करना है तो वो कर लेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। और देन स्टार्ट करते हैं, बीच में मैं ऐड कर लूंगी अगर किसी और को आना होगा। स्क्रीन विजिबल है मेरा? नो मैम, यस मैम, यस मैम। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई कर लिया था ना, आयरिस, प्यूपिल एंड एवरीथिंग। यस मैम, यस मैम, तो यस आज मैम, हम लोग यस आई के मैम। डिफरेंट डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब डिफेक्ट क्या होता है, हाँ कोई बता सकता है? आपने कुछ डिफेक्ट कहा भी। ठीक हो हाँ जाना, जी, ठीक हो जाना या खराब हो जाना? मैम खराब है, खराब मैम हो जाना, खराब, खराब हो जाना। किसी चीज में कुछ खराबी मैम होती है खराब। तो उसको हम खराबी को बोलते हैं डिफेक्ट, और जब वो दिक्कत हमारी आईज में हो रही है तो हम उसको बोलेंगे आई डिफेक्ट, ठीक है? तो जैसे आप लोगों में से काफी लोग स्पेक्स लगाते होंगे, वो हैंड रेस कर दो जिन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं या लगाते हैं। चलो अच्छी बात है, सिर्फ दो तीन स्टूडेंट्स ही हैं, बाकी सबकी आईज बिल्कुल परफेक्ट है। वेरी गुड। तो हमारे पास आज जो हम लोग डिफेक्ट्स की बात करेंगे उनमें से मेन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, कलर ब्लाइंडनेस और प्रेस्बाइलिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये जो सारे डिजीजेस का मैंने नाम लिया है, ये होते कैसे हैं, क्यों हैं और उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम तीनों चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि हमारी आई, हमारी आई तो हमारी जो आईज होती है उसमें लेंस कौन सा होता है, कंकेव होता है, कन्वेक्स होता है? मैम कौन के ओके कंकेव होता है। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं कि कंकेव होता है? यस मैम। कंकेव की अच्छा शेप कौन सी होती थी? आप लोग को स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम, यस। तो मैं यहाँ पे दो शेप्स ड्रॉ करती हूँ और आप लोग बताना कौन सा कंकेव होता है, फर्स्ट वाला मैम है सेकंड वाला? सेकंड, मैम सेकंड, ये कंकेव होता है। यस मैम। लोग एग्री कर रहे हैं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक 22 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं अभी। यस मैम, ये वाला कंकेव होता है, ये वाला कन्वेक्स होता है। उल्टा बोल रहे हो आप लोग, तो आप आंसर तो सही बोल रहे थे कि शेप ये है, पर उसका नाम कन्वेक्स होता है। ये वाली जो शेप है ये हमारे पास कंकेव होती है। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस था, और इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना। 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 और फिर रेटिना से यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जाते हैं। अब सिग्नल के लिए दो मेन सेल थे, वो कौन से थे? रॉड्स रोड सेल एंड कौन सेल? एंड कोन्स।
अब हमारे पास कौन यहाँ पे कौन सा पार्ट था जिसका साइज चेंज होता है? प्यूपिल. प्यूपिल कर प्यूपिल हमारे पास प्यूपिल. इतना क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब देखो सबसे पहले हमारे पास आता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस. नियर का मतलब है पास, साइट का मतलब है देखना. मतलब जो ऐसी बीमारी है जिसमें हमें पास का हम देख पा रहे हैं पर दूर का नहीं देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस. ये क्लियर हुआ नाम? यस मैम. यस मैम. एक बार रिपीट कर दें. देखो इसके दो नाम है, या तो मायोपिया बोलते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा. दूसरा नाम जो आता है वो हमारे पास है नियर साइटेडनेस. नियर का मतलब है पास, साइट का मतलब है देखना. हम पास का देख पाते हैं और दूर का नहीं देख पाते हैं तो उस डिजीज को कहते हैं माइंड. क्लियर है सबको ये? यस मैम. विकास प्लीज म्यूट कर लो. थैंक यू. अब इसमें होता क्या है, जब मैंने इमेज फॉर्मेशन करवाई थी तो मैंने कहा था जब पैरेलल लाइंस आ रही हैं इनफाइनाइट से तो वो कहाँ पे बनती थी इमेज? पैरेलल जब पैरेलल लाइंस होती है वो कहाँ से पास होती है? रूल्स करवाए थे पैरेलल वाली कहाँ से जाएगी? फोकस से जाती है ना. भूल गए सब लोग? हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम. आज क्या हुआ, कुछ खिलाया नहीं मम्मी ने? सब बिल्कुल चुप है. तो हमारे पास जब पैरेलल लाइंस होती हैं रे की लाइट की और वो बहुत दूर से आती है तो उस केस में जो रेज हैं वो बाद में जाके फोकस पे मिलती है, मतलब हमारी इमेज फोकस पे बनती है. अब अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरा जो लेंस है उसका फोकस यहाँ पर, तो अगर दूर से आ रही है मेरे पास रे तो वो भाई यहाँ पे जाके मिलेंगी इस फोकस पे. पर अगर मेरे पास मान लो फोकस ही कम है कि यहाँ पे है मेरा फोकस, तो उस केस में तो यहाँ पे आके मिलेंगी. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम. कि हमारा फोकस जहां पर है उसके हिसाब से हमारी इमेज आगे पीछे हो रही है. अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफेक्ट क्या हो रहा है. हमारी लाइट ऐसे आ रही थी पैरेलल. अब नॉर्मल सिचुएशन में ये जो लाइट थी ये हमारी यहाँ पे आके मिल रही थी रेटिना, जिस स्क्रीन पे हमें फोटो देख इमेज बनानी थी और फिर यहाँ से सिग्नल जा रहे. पर अभी क्या हो रहा है, हमारी जो लाइट आ रही थी वो रेटिना पे ना बन के उससे थोड़ा आगे आके मिलती है. अब होगा क्या, मान लो आपके पास 100% जो लाइट आनी थी उसका कुछ परसेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 80% तो ठीक है वो रेटिना तक पहुंच गया, बचा हुआ 20% जो है वो यहाँ पे ही आके रुक रहा है इस पॉइंट. तो अगर मान लो आप एक रूम में हो जिसमें लाइट नहीं, तो आपके फोन की ब्राइटनेस बिल्कुल, लाइट जली हुई है मान लेते हैं आप रोशनी में, और आपके फोन की ब्राइटनेस ने आपने बिल्कुल कम कर रखी है, तो आप उसे आसानी से देख पाओगे या नहीं देख पाओगे जो फोन में लिखा हुआ है? नहीं देख पाएंगे. हाँ क्या बोला आर्यन मैम? नहीं देख पाएंगे. नहीं देख पाएंगे. पर अगर मैं उसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं थोड़ी सी तो देख पाएंगे? यस मैम. यस है ना. Yes, अगर मेरे पास लाइट कम आ रही है तो मैं नहीं देख पा रही हूँ ढंग से, स्क्रीन पे लाइट बहुत ही कम रही है तो मैं कोई इमेज नहीं देख रही. पर अगर मैं उस स्क्रीन की लाइट बढ़ा दूं तो मैं आसानी से देख पा रही हूँ. सेम कंसेप्ट यहाँ पे. अब हमारे पास जो लाइट थी वो 100% लाइट यहाँ से आ रही थी, सोर्स ने तो पूरी लाइट भेजी पर वो पूरी यहाँ स्क्रीन तक नहीं पहुंची, तो हमें जो इमेज दिखेगी वो हल्की दिखेगी, धुंधली दिखेगी. जैसे जिन लोगों को बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है, आप स्कूल में जा रहे हो आपको ये नहीं दिख रहा मैम बोर्ड पे क्या लिख रही है, या आप ना स्कूल में बस एंटर करा और आपको दूर से दिख रहा है कोई आपको हाथ दिखा रहा है कि हेलो, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि शक्ल कौन सी, ये तो पता चल रहा है कोई आपको वेव कर रहा है पर कौन है ये नहीं देख पा रहा, तो वो क्यों आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है? क्योंकि आपकी जो आईज में लाइट आ रही थी वो सारी की सारी रेटिना पे नहीं पहुंच पाई, उसका कुछ अमाउंट पहले ही रुक गया. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम.
यस मैम यस मैम ना हमारा वो स्क्रीन था जिसपे इमेज बननी चाहिए थी पर नहीं बनी. अब होगा क्या, ये किसके कारण होगा? मैंने आपको जब कन्वेक्स लेंसेस पढ़ाए थे तो मैंने ये बोला था कि अगर जितना मोटा होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये ज्यादा गोल है, यहाँ पे मैं इसको ज्यादा गोल कर देती हूँ ऐसे, और एक सिचुएशन है ऐसे, तो अगर मेरे को ऊपर वाले का सर्कल कंप्लीट करना है तो ऐसे छोटा सा सर्कल बनाऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा, उसका सेंटर यहाँ आ जाएगा. पर अगर इस बड़े वाले का करना है तो पूरा सर्कल बनाने के लिए बड़ा सर्कल बनेगा. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम यस मैम. अब तो इसका मतलब इसका सेंटर यहाँ पर है, उसका सेंटर वहां, और सेंटर का आधा हमारा है फोकस. अब आप खुद देख सकते हो ऊपर वाले की फोकल लेंथ कम है, नीचे वाले की फोकल लेंथ ज्यादा है. तो हमारा इस केस में क्या हो रहा है, ये जो लेंस है वो थोड़ा मुड़ चुका है. मुड़ने के कारण क्या हो रहा है, हमारा फोकल लेंथ छोटा हो गया है. ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम यस मैम. अब आपको ये याद रखना है कि मायोपिया में क्या हुआ, रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही हमारी जो लाइट है वो मीट कर रही है और वहां पे इमेज बना रही, जिसके कारण पूरी लाइट यहाँ रेटिना पे नहीं पहुंच पा रही और हमें ब्लर इमेज दिख रही है. अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है स्क्विंटिंग एंड फ्राउन. अब मान लो आपको आप चश्मे ना घर पे भूल गए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टूडेंट है जो जो चश्मे लगाता था और वो चश्मे लाना भूल गया, और आपको बोर्ड पे देखना है कि मैम ने लिखा क्या है, तो आप क्या करोगे, अपने फोरहेड में पूरे स्ट्रेस आ जाता है, वो लाइंस लाइंस आ जाती है कि क्या लिखा है, पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हो सीरियस फेस में. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम. कि आपका जो फेस है उसमें फोरहेड पे ऐसे लाइन लाइन हो जाती है कि आप ये ध्यान से देखने की कोशिश करो लिखा क्या है मैम, तो वो क्या हो रहा है, आप फ्राउन कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, पर आप पूरा स्ट्रेस लगा रहे हो. तो आप पूरा स्ट्रेस लगाने की कोशिश कर रहे हो देखने के. तो जब कोई इंसान ऐसे बार बार कर रहा है कि आपने, हो सकता है कि आपको पता भी ना, आपकी नजर कमजोर हो गई है, पर आप ये देखिए आपको दूर की चीजें देखने के लिए आपको इतना दम लगाना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपकी आईसाइट वीक. फिर सेकेंड है, अगर आपकी आंखों में हमेशा थकान रहती है कि हैवी हैवी फील होता है कि आईज तो खोलने का मन ही नहीं करता है, या आपको हमेशा हेडेक होती है. अब आप सोचो अगर आप पूरा दिन फोन देख रहे हो तो आपके सर दर्द हो जाता है फोन की स्क्रीन देखिए. यस मैम यस मैम. क्यों? क्योंकि आपको पूरा टाइम फोकस करना पड़ता है. नहीं होता है, ठीक है, वेरी गुड. तो आपको अगर हेडेक हो रहा है फोन को देखकर पूरा टाइम भी, और कुछ लोगों को बहुत कम देर में भी हो जाता है, तो वो किस रीजन से हो रहा है, क्योंकि आप पूरा टाइम उस पर फोकस कर कि क्या है क्या है क्या है उसमें क्या है, सब चीजों पे ध्यान देना है आपको, कब गेम में क्या प्रेस करना है. इसी तरीके से मान लो आपको दूर का कम दिखता है, आपको ये नहीं पता आपको दूर का कम दिखता है, पर आपको जैसी कोई चीज देखनी है, आप रोड पे भी जा रहे हो, आपको सामने ही देखना है कि भाई सामने ये जो बोर्ड लगा हुआ है उससे क्या लिखा हुआ है, तो हर चीज में आपके आईज में हमेशा पूरा टाइम स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस के कारण हमें हेडेक हो जाता है. तो अगर आपको बार बार हेडेक हो रहा है तो चांसेस है कि आपके पास आईसाइट में प्रॉब्लम है. अब इससे अगला सिम्टम बहुत कॉमन है, तो बहुत इजी से डिटेक्ट हो सकता है कि अगर आपको दूर कर चीजें नहीं दिखती, नहीं दिख पा रही है, आप उन्हें रीड नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आपको आई डिफेक्ट. अब इनके कारण क्या है, सबसे पहले हमारा रीजन है हेरिडिटी. हेरिडिटरी आपने बायो में भी पढ़ा होगा, कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमारी जनरेशन से मिलती है, पहले की जनरेशन से. जैसे हो सकता है आपके मम्मी पापा में से किसी की आईसाइट वीक हो, और अगर मम्मी पापा की नहीं है तो हो सकता है आपकी दादी दादा में या नानी नाना में किसी की तो फैमिली में वीक है. तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आपकी कमी है कि आप फोन चला रहे हो, कभी कभी हो सकता है वो हेरिडिटरी में आपको बाय बर्थ मिला हो. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम. सेकेंड है हमारा इलोंगेशन ऑफ आईबॉल या बल्जिंग ऑफ कॉर्निया.
जो मैं बता रही थी कि हमारा जो आई बॉल है और जो कॉर्निया वो ऐसे मुड़ जाता है, जिसके कारण फोकल लेंथ छोटी हो जाती है। तो सेकेंड रीजन हमारा ये भी हो सकता है। फिर थर्ड रीजन है हमारा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। कुछ लोगों को डायबिटीज होती है और अगर वो कंट्रोल ना करें, वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, तो उनको आफ्टर सम टाइम उनकी आईसाइट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। यस मैम। फिर हमारे पास अनअटेंडेड कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट क्या होता है, कोई बता सकता है मैम? क्या कैटरैक्ट क्या होता है मैम? पता नहीं। नहीं पता? ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि हमारे पास एक और डिजीज होती है कैटरैक्ट, वो क्या होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहले ट्रीटमेंट है, आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन सा लेंस लगाना चाहिए। अगर मेरे को इसे ठीक करना है तो मेरे को कैसे चश्मे पहनने चाहिए, कन्वेक्स वाले या कनकेव वाले? कौन से पहनने चाहिए आपके हिसाब से? आप गेस करो, कनकेव पहनने चाहिए, कन्वेक्स पहनने चाहिए? मैम किसके लिए? इस बीमारी को ठीक करने के लिए, क्या आपको दूर का नहीं दिख रहा है? तो आपको कौन से पहनने चाहिए? कनकेव। कनकेव क्यों पहनने चाहिए? कनकेव मैम क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस होता है, उससे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो मैम। उससे मैम इमेज थोड़ी पीछे फॉर्म होगी तो वो रेटिना पे हो जाएगी फॉर्म। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रीजन मिला है बिल्कुल करेक्ट मिला है। क्या बोला यहाँ पे कि हमें यहाँ पे कनकेव लेंस इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि वो डाइवर्जिंग। अब होगा क्या, ये मैंने यहाँ पे लेंस लगा दिया, ये मेरे पास यहाँ लाइट आ रही। अब जो लाइट बिल्कुल सीधी सीधी आ रही थी, कनकेव लेंस क्या करेंगे, उसको थोड़ा दूर कर, हल्का सा दूर कर, और फिर हमारे पास आएगा कन्वेक्स लेंस। आईज के लेंस को तो हम हटा नहीं सकते, ये तो हम बाहर से एक्स्ट्रा चश्मा पहन रहे हैं। अब ये क्या करता है कन्वेक्स लेंस, इन्हें मिलाने की कोशिश करेगा। अब आप बोलोगे मैम पहले भी मिल रहे थे, अब भी मिल रहे थे, फर्क क्या? तो फर्क ये है हमारे पास पहली वाली सिचुएशन में मेरे को ऐसी दो पैरेलल लाइंस को मिलाना था, इनको मिलाना और इन जो पहली वी लाइन है उनको मिलाना। यहाँ पे ड्रॉ एक ये दो लाइंस है, आपको इनको मीट करवाना है और फिर आपके पास एक ऐसी लाइन है इनको मीट करवाना, इनके बीच में गैप ज्यादा है। तो कब जाके मिलेंगी? थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा, पर इस वाले सिचुएशन में क्योंकि वो बिल्कुल ऑलरेडी पास है तो उनको मिलाने के लिए कम एफर्ट लगेंगे और वो पहले ही मिल जाएंगे। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। तो हमारे पास क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस आईज में पहले ही था, उसका काम था कन्वर्ज करना, उसको हमने नहीं बदला है, पर दो पैरेलल लाइंस को मिलाने में कम डिस्टेंस लग रहा था कंपेयर टू दो डाइवर्जिंग लाइंस को, इसलिए हमने कनकेव लेंस लगाया। तो हमारे पास सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है कनकेव लेंस का, सेकेंड आता है लेसिक आई सर्जरी। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट उसमें जाना है, लाइक अगर आपको एनडीए में भी जाना है या किसी और गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो बहुत सी जगहों पे ये बोला जाता है कि आपकी आई 6x6 होनी चाहिए, या बहुत माइनर सा अगर आप में डिफेक्ट है तो चल जाएगा 0.5, या कुछ जगहों पे बंद भी चल जाता है। तो उस सिचुएशन में जब आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए 6x6 साइज चाहिए, तो उस केस में कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो आई सर्जरी करवा लेते हैं। जिससे क्या होगा, जब वो वहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उनकी आईज बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं लेसिक आई सर्जरी के बाद आपकी फिर से कम नहीं हो सकती, हो सकती है, बट उस टाइम पे आपकी परफेक्ट होगी। फिर नेक्स्ट है हमारी फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हर चीज में हेल्प होती है, तो ऑब्वियसली आईज में भी हेल्प होती है। फिर कौन सी एक्सरसाइज? हाँ जी सौरभ मैम, कौन सी एक्सरसाइज? कौन सी एक्सरसाइज? देखो जैसे अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, आपको एक घंटे की क्लास अटेंड करनी है, सपोज आपको 2-3 घंटे लगातार क्लास अटेंड करनी है, आप पूरा टाइम स्क्रीन को देखते रहोगे तो आपकी आईज कमजोर हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या एक्टिविटी होती है, जैसे आप थोड़ी देर स्क्रीन को देख रहे हो, आपने 15-20 मिनट्स देखा, या अगर आपको कॉन्टिन्यूसली देखना इंपॉर्टेंट है, आप मिस नहीं कर सकते, 30 मिनट्स देखा,
उसके बाद आप कोशिश करो आप एटलीस्ट 2-3 मिनट्स के लिए अपनी आईज का फोकस स्क्रीन से हटा के और चीजों पे लगाओ। जैसे आप देखो कि आपके रूम में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, या कोई चीज कितनी दूर है, या कोई बुक रीड करने की, मतलब उस टाइम पे आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, स्क्रीन से हटा के आप अपनी आईज को रिलैक्स कर सको। तो वो एक्सरसाइज हेल्प करती है ताकि आपकी आईज में हमेशा स्ट्रेस ना रहे, कमजोर ना हो। फिर आपने वो एक्सरसाइज तो करी होगी क्लास में, आप पेन को पास ला के देखते हो आपके पास कि आपको दो दो दिख रहे, तीन तीन दिख रहे, चार चार दिख रहे हैं, करा होगा स्कूल में सबने। यस मैम, यस मैम। तो वो भी एक्सरसाइज होती है जो डॉक्टर बताता है। जब आपके आईज में स्टार्ट हो जाती है प्रॉब्लम तो डॉक्टर खुद वो बताता है। तो अब लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट आता है आई ग्लास। अब अगर आप आई ग्लास ना लगाओ तो क्या हो? मान लो आपकी आई साइट हल्की सी वीक थी कि आपको मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मीटर के बाद का नहीं दिखता, और वो भी इतना ही, बहुत ये कि बहुत छोटा लिखा है तो वो नहीं दिख रहा है, आप नॉर्मल साइज का देख पा रहे, पर क्या वो आपने चश्मा नहीं लगाया, आपको शर्म आ रही थी कि नहीं भाई मेरा स्टाइल खत्म हो जाएगा उससे, तो आपने स्पेक्स नहीं लगाया। अब क्या होगा, धीरे धीरे टाइम जब जाता जा रहा है आपकी आईज को आदत हो जाएगी कि आपको उतना तो दिख ही नहीं रहा है, उससे छोटा उससे बड़ा भी नहीं दिखेगा। धीरे 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 आपकी आईज और ज्यादा कमजोर होती रहेगी, क्योंकि उसकी भी एक ताकत है। अब मान लो आपको इतने से पे फोकस करना पड़े तो आपकी आईज को आदत हो गई है कि वो हमेशा ही फोकस पोजिशन में रहता है, उसको और बड़ा नहीं दिखेगा, फिर और बड़ा नहीं, इससे क्या होगा आपकी आंखों का नंबर बढ़ता जाएगा और आपको कोई हेल्प नहीं होगी, बाद में आपको लास्ट में फाइनली लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए आई ग्लास टाइम पे लगवाना इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली मायोपिया का क्या मतलब है? अमित आप कुछ बोल रहे थे? तो बेसिकली मायोपिया का क्या मतलब है, जब हमारी आईज वो एबिलिटी लूज कर लेते हैं जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पाए, हम सिर्फ पास के देख पाते हैं, ऐसा नहीं है दूर का कुछ भी नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे, ठीक है, मैं ब्लर हो जाता है, करेक्ट, ब्लर हो जाता है। अब ये आपके लिए मानो इनफाइनाइट जगह, ठीक है, आप दूर तक सीधा रोड़े तो आप कहीं तक एंड तक देख सकते। अब कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ तक का ना दिख रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ तक का ना दिख रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ तक का ना दिख रहा हो, पर इससे पहले का दिख रहा है। तो हर इंसान के लिए वो अलग अलग होता है, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो आपको इतने डिस्टेंस का नहीं दिखता। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, कुछ लोगों को भाई टीवी में जो आ रहा है वो भी नहीं दिख रहा है ना, और कुछ लोगों को इतना परफेक्ट दिखता है, वो दूर खड़े हुए इंसान को पहचान लेते हैं, अरे भाई ये तो सौरभ। समझ आ रहा है डिफरेंस? यस मैम। तो वो हर आई के लिए डिफरेंट होता है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या होगा, ओरिजिनली आई का फार्देस्ट पॉइंट इनफाइनाइट होता है, कि जो नॉर्मल आई है वो कितने दूर तक देख सकते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक। पर जब हमें मायोपिया होता है तो हमारा फार्देस्ट पॉइंट चेंज हो जाता है, हमारा फार पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फार पॉइंट का मतलब क्या है, कि हम इनफाइनाइट के बजाय कुछ और डिस्टेंस है कि हम वहां तक का देख सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे कंकेव लेंस लगाया। अब कंकेव लेंस लगाने से क्या होगा, अब हमें आप लोगों ने आंसर दिया कि यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल रेटिना पे जाके मिले, पर ये एक्चुअली में इसके पीछे एक और प्रोसेस भी है। अब वो प्रोसेस क्या वो देखते हैं, ये हमारे पास कंकेव लेंस है और ये कन्वेक्स। मेरे पास यहाँ पे लाइट आ रही थी और इससे यहाँ पे मेरे पास लाइट आ रही थी, इस वाले लेंस ने क्या किया, उस लाइट को डाइवर्ज कर दिया। जैसे ही डाइवर्ज करा वो सही जगह पे जाके मिल, पर अगर ये डाइवर्ज करा है तो मतलब कहीं ना कहीं से आ रही है। ओरिजिनली वो ऐसे आ रही थी, मैंने उसको फैला दिया। अब फैलाने के कारण मैं जब उसे पीछे ट्रेस करूंगी, जैसे हम लोग वर्चुअल करते थे, तो इसको मैं पीछे ट्रेस करूंगी ऐसे, तो मुझे लगेगा कि यहाँ इस पॉइंट से आ रही है। ये समझ आ रहा है सबको? यस मैम। तो आप एक्चुअली में ऐसे रही थी, मैंने क्या किया उसको डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट करने से मेरे को लग रहा है वो यहाँ से आ, तो जो एक्चुअली में इनफाइनाइट डिस्टेंस पे से आ रही थी
अब वो मेरे को लगेगा कि कुछ कम डिस्टेंस पे से आ गया। किसको लगेगा? कंकेव को नहीं, कन्वेक्स वाले को लगेगा। कंकेव को तो पता है भाई वो इनफाइनाइट से आ रही है, उसके बाद उसने फैला दिया। कन्वेक्स वाले को क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज दिख रही है, उसको लगेगा भाई ये तो यहीं से आ रही, कहीं पास से। अब सोचो एक इंसान को 50 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा, और अब मैंने क्या किया, इस कंकेव लेंस को लगाया, जिसके कारण अब मेरे को लग रहा है कि ये जो लाइट आ रही है, ये आ रही है फॉर एग्जाम्पल 45 मीटर, तो उसको दिखेगा क्लियरली। नहीं समझ आया? देखो अभी आपके लिए लाइट आ रही थी इनफाइनाइट डिस्टेंस की से, जब आपको नहीं दिख रहा था। अब मैं क्या कह रही हूँ, आपने यहाँ पे कंकेव लेंस लगाया, उसके कारण क्या हो रहा है, आपको लगेगा लाइट कहीं यहाँ से आ रही। अब आपको इतनी दूर का नहीं दिख रहा था, पर इतनी दूर का तो दिखता है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यहाँ पे था, पर आपकी आंख को ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है, यहाँ पे रखा है, और ये तो आपको दिखता है आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्चुअली में इस कंकेव लेंस ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया कहां से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से, हमारे उस डिस्टेंस पे जब हमारी आईज नॉर्मली देख पाती है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। तो डाइवर्जिंग करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो उस पॉइंट पे आ गए जहां पे हम देख पाते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास दो लेंस होते हैं और उनको हमने इकट्ठा कर, अब इकट्ठे का मतलब जरूरी नहीं है एक के ऊपर एक, ये भी दो कॉम्बिनेशन है कि एक लेंस मेरा ये है कंकेव वाला और एक जो आईज में है कन्वेक्स वाला। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई फोकल लेंथ बनती है। उस फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f = 1/f1 + 1/f2। अभी f1 और f2 क्या है, मेरे पास दो लेंस है कंकेव वाला और कन्वेक्स वाला, ये उन दोनों की फोकल लेंथ है, एक होगी कंकेव वाले की और एक होगी कन्वेक्स वाले की, और फिर मेरे को मिल रही है यहाँ पे टोटल। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। और 1/f क्या होता है, 1/f पता है किसी को क्या होता है? पावर होती थी, पावर होती थी हमारे पास फोकल लेंथ। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये भी पावर है, ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो आप ये लिख सकते हो कि जो टोटल पावर हुई वो क्या हुई, पहले वाले की पावर प्लस दूसरे वाले की पावर। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कंकेव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, करेक्ट। नेगेटिव। इसका सर्कल इस साइड आ रहा है, और कन्वेक्स वाले की पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसकी हमारे पास पॉजिटिव। अब जब हमने नेगेटिव लेंस यूज करा है तो हमारी जो फाइनल पावर आएगी वो नेगेटिव में आएगी। हमारा ये वाला जो लेंस है इसकी पावर स्ट्रांग होती है, इसकी पावर उसके कंपैरिजन कमजोर होती है। तो जो जो भी जिस भी शेप का हम लोग एक्स्ट्रा लेंस लगाएंगे उस साइन की हमारी पावर बनेगी, जैसे यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है। तो अगर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको चश्मा लगेगा -1 नंबर का, तो इसका मतलब आपको दूर का नहीं दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव आ गया, कंकेव लेंस लग रहा है, और कितनी पावर है उसकी 1। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया या फिर फार साइटेड। फार साइटेडनेस में फिर से वही सेम चीज, दूर का दिखता है, फार का मतलब दूर, साइड का मतलब देख, जिसमें हमें दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, फार साइटेडनेस। अब पास का नहीं दिख रहा है तो हमारा लीस्ट डिस्टेंस क्या था देखने का, 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को पास का नहीं दिख रहा है, तो अब आप लोग बताओगे कि ऑप्शन क्या है, मतलब 23 का नहीं दिखेगा या 26 का नहीं दिखेगा? 26 का नहीं दिखेगा। हम 23 क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो आईज है
उनके लिए नॉर्मल डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। करेक्ट। कुछ लोगों को उनसे कम पे भी दिखता है, जैसे फेस पे भी साफ दिख रहा होगा, काफी लोगों को दिख जाता है, पर जो हमारे पास नॉर्मल एक स्टैंडर्ड साइज है कि 25 तक सबको दिखता है, उसके बाद का भी दिखता है। तो अगर मेरे पास उससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे ही देख पा रही हूँ, जैसे 26 पे भी नहीं देख पा रही, 27 पे भी नहीं देख पा रही, तब मेरे पास की नजर कमजोर है। ऐसा नहीं है कि मैं 23 पे नहीं देख पा रही हूँ तो मेरी पास की नजर कमजोर है, नहीं, 25 या उससे थोड़े से ज्यादा पे नहीं देख पा रहे हो उसको बोलते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब आपको याद होगा जब मेरे पास ऑब्जेक्ट लेंस के पास जा रहा था, इमेज दूर भाग रही थी। यस मैम। याद है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पास रखते हैं इमेज दूर बनती है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है यहाँ। मैंने ऑब्जेक्ट को पास रखा क्योंकि मेरे को पास का नहीं दिख रहा है। अब इस केस में जो इमेज बन रही है वो इतनी दूर बन गई कि रेटिना तो बेचारा आगे रह गया, इमेज आगे चली गई। अब यहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रेटिना पे पहुंच जाएगी, पर जो बची हुई चली गई बाहर वो वेस्ट हो गई, तो उसके कारण हमें फिर से ब्लर दिख, हमें पास का क्लियर नहीं दिखेगा। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो पास की लाइट थी वो इतनी दूर जाके पहुंच गई, तो यहाँ पे जो लेंस है वो कन्वर्ज कम कर पा रहा है। कन्वर्ज का मतलब है ये दो पॉइंट्स है, आप उनको कितनी आसानी से मिला पाते हो। एक तरीका आप यहीं पे मिला दो, एक तरीका आप इनको इतने दूर जाके मिलाओ। अगर आप दूर मिला पा रहे हो मतलब आपकी कन्वर्जिंग पावर कम है, और पास मिला रहे हो तो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारी जो आईज में, आई की लेंस में क्या कमी है, वो कन्वर्ज नहीं कर पा रही। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब इसमें भी सिम्टम देखते हैं, तो पहले दोनों सिम्टम सेम है, स्क्विंटिंग एंड फ्रॉमिंग। सेकेंड है फिर से वही थकी हुई आईज हो रही है या फिर हमें हेडेक हो रहा है। और थर्ड सिम्टम बिल्कुल कॉमन है कि हमें अगर पास के लेटर्स अल्फाबेट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी फैमिली में आपके पेरेंट्स या फिर और जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको देखा होगा, वो न्यूज़पेपर दूर करके पढ़ते हैं, या अगर उन्हें फोन में भी कुछ देखना है तो वो कहते हैं थोड़ा सा दूर से दिखाओ, पास का नहीं दिखा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो इसी कारण है क्योंकि उनकी जो पास की नजर है वो कमजोर है। तो ये आप सिम्टम ये देख सकते हो कि ये जो मोस्टली डिजीज होती है हाइपरमेट्रोपिया, वो एक एज के बाद स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड, कुछ बच्चों को भी नहीं दिखता है, पर अगर हम बात करें तो मोस्टली बड़ी एज में। अब इसके कारण क्या है, सबसे पहला कारण जैसे मैंने बताया कि हमारा जो लेंस है उसकी कन्वर्ज करने की ताकत खत्म हो गई, वो एक एज के बाद उसमें कमजोरी आ जाती है कि वो बाहर इतनी पावर से कन्वर्ज नहीं कर सकता है जैसे वो पहले करता था, तो हमारी जो इमेज है वो पीछे जाके बन। दूसरा रीजन है हमारे पास कि हो सकता है हमारी आई बॉल बहुत छोटी हो गई। फिर तीसरा रीजन है कि कुछ बच्चों को जब वो बॉर्न होते तब ये डिफेक्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। जब बेबी बॉर्न होता है तब डॉक्टर बोल देते हैं कि नहीं इसको हम पास की नजर कमजोर है, पर विद टाइम वो मोस्टली बच्चों में खत्म हो जाती है। धीरे धीरे जैसे बेबी ग्रो होता है वो हेल्दी फूड खाते हैं तो उन्हें आसानी से दिखने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके भी ट्रीटमेंट है हमारे पास, आई सर्जरी, फिजिकल एक्सरसाइज और ग्लास। अब यहाँ कौन से कॉन्टैक्ट लेंस यूज करेंगे, कनकेव या कॉन्वेक्स? कन्वेक्स। कन्वेक्स। कन्वेक्स क्यों यूज करेंगे कन्वेक्स? कन्वेक्स। आंसर सही है, मैं रीजन पूछ रही हूँ। क्या बोल रहे हो शिल्पा? क्योंकि वो कटिंग लेंस होता है। क्योंकि वो कौन सा लेंस होता है, आवाज कटती है आपकी? कन्वर्जिंग लेंस होता है, करेक्ट। यहाँ पे हमारे लेंस में क्या दिक्कत हो रही थी, वो कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था, इसी कारण हम लोग कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे ताकि वो उन लाइंस को सही जगह पे मिला सके। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है वो दूर का तो देख पा रहा है पर पास का नहीं देख पा रहा है, तो उसका जो नियर पॉइंट है इस सिचुएशन में आप कह सकते हो नियर पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। जो उसका पास वाला डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। इसमें कोई भी बच्चा
इसको लेस देन मत करना, इसका नियर पॉइंट 25 से ज्यादा है, ये मतलब है। अब हमारे पास आगे ये एक्चुअली में काम क्या करता है? अब मेरे पास देखो, मैंने ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ, ये इस एंड पॉइंट, यहाँ से मेरे पास नॉर्मली अगर मैं देखूँ तो लाइट ऐसे सीधी जाती और वो उसे मिलाता इतनी दूर, यहाँ पे मिला। पर अब क्या हुआ, ये लाइट पहले इस लेंस के पास गई, कन्वेक्स वाले के पास, इसने इसे ऑलरेडी थोड़ा सा मोड़ दिया, तो अब ये जो लेंस है उसको थोड़ी कम मोड़नी है लाइट, मतलब पहले उस सिचुएशन में उसको इतनी वाली लाइट मोड़नी थी, अब उसको ये वाली लाइट मोड़नी है। तो अब जो उसकी नॉर्मल पावर है फोकस करने की, वो यहाँ पे बना रहा है, पहले भी यहाँ पे बना रहा था, पर कंडीशन क्या है, इनके बीच में गैप ज्यादा था तो ये दूर जाके बन गई, अब गैप कम हो गया है तो पास आके बन गई। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। अब ये हुआ कैसे, जैसे हमने कंकेव लेंस में देखा था, इसमें भी देखते हैं होता क्या। अब इस सिचुएशन में मेरे पास जब लाइट इस पहले वाले लेंस से गई जो मैंने अपनी आंख में चश्मे लगाए, उससे क्या होगा, ये लाइट थोड़ी सी मुड़ गई, तो अब मेरी आंख को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है जो मुड़ी हुई है, ये एक्चुअली में इस पॉइंट से आ रही है। अब मेरे को हो सकता है कि 26 सेंटीमीटर का ना दिख रहा हो सकता है, जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है 26 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, पर क्योंकि मैंने ये लेंस लगा लिया तो अब मेरी आईज को लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट 26 पे नहीं रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो मेरी आंखों को ऐसा धोखा लगता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट दूर हो गया है, पर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट वही था, इस लेंस के कारण हमें लगता है वो दूर हो गया है, और मेरी दूर की नजर कमजोर नहीं है, यहाँ पे पास की कमजोर है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। तो जैसे हमारे पास मायोपिया में हम लोग ऑब्जेक्ट को एक ऐसे डिस्टेंस पे लेकर आते हैं जहां तक हम देख सकते, यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को एक ऐसी दूरी पे ले जाते हैं जहां से हम देखना शुरू करते। अब ये फिक्स नहीं होता है कि हर इंसान के लिए कहाँ पे होगा, अगर कोई इंसान 40 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा पे देख सकता है तो हमारा जो लेंस है वो इस हिसाब से बनाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम 40 सेंटीमीटर पे इमेज बने, उससे पीछे की जरूरत नहीं, उससे पीछे में क्लियर दिखता है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आई के लिए उसके हिसाब से चश्मे बनाते हैं। जैसे अगर आप लोग कभी आई टेस्ट के लिए गए होगी तो वो आपको अल्फाबेट्स रीड करवाते हैं, फिर आपसे बोलते हैं अगर आपको ये दिख रहा है, फिर वो उससे हल्का सा छूटा करते हैं कि आपको वो दिख रहा है, उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है इतने साइज का तो दिख रहा है पर उससे बड़ा नहीं दिखेगा, या उससे जस्ट छोटा तो उससे आराम से दिख रहा है, तो वो साइज लेंगे आपको। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमने लेंस लिया है कन्वेक्स लेंस, तो इस केस में जो पावर होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पावर। तो अगर आपको प्लस दो का चश्मा लग रहा है तो मतलब आपकी पास की नजर कमजोर है और उसकी पावर है दो। क्लियर है सबको? यस मैम। अब कुछ डॉक्टर्स, जैसे अगर आप बार बार लैपटॉप यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, जैसे ऑफिस में यूज करना पड़ता है, तो कुछ डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप 0.5 का चश्मा लगा के रखो, 0.5 या 0.25 बिल्कुल मार्जिन, उससे क्या होगा, जो आपको कॉन्टिन्यूसली पास का देखना है, लैपटॉप पे देखना है, फोन पे देखना है, आपकी आंखों पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा कि आपकी आईज वीक हो जाए, तो उसके हिसाब से डॉक्टर ये बिल्कुल माइनर सा हल्का सा चश्मा, इसको आप लगाओगे नहीं लगाओगे इतना फर्क नहीं पता चलेगा, पर आपके आईज रिलैक्स रहे। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फिर हमारे पास आता है कैटराक्ट। अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी आईज कमजोर होने लग जाती है, और कुछ लोगों में एक वाइटिश स्टफ बनने लग जाता है आईज। अब उसके कारण क्या होगा, ये हमारी आई लेंस है, उसमें थोड़ा 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 वाइटिश स्टफ आ गया। अब एक तो अब उसके कारण क्या हो रहा है, वाइटिश स्टफ के कारण, मान लो आपके पास एक लाइट है, ठीक है, ये आपके पास एक लाइट है। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ 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 पेपर लगा दिया, ठीक है, ब्लैक पेपर जिससे आर पार लाइट नहीं जा रही, सॉलिड लगा दिया, तो लाइट ये इन जगहों से आने की कोशिश करेगी। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। है ना?
अब ये तो मैंने बिल्कुल सीधा सीधा लगाया, टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे तो लाइट अपनी मर्जी से जहां मन करेगा वहां जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल हमारे पास कैटरैक्ट में हुआ। देखो ये हमारा हेल्दी लेंस था जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, लाइट सीधी सीधी आ रही है और बिल्कुल सही जाके मिल रही है रेटिना, पर अब जब वाइट स्टफ आ गए तो लाइट को एक रुकावट मिल गई है यहाँ पे। तो लाइट आप देख रहे हो एक जगह पे ना मिलके पूरे में अलग अलग फैल गई। तो अगर आपकी आंख में कोई टॉर्च लग रही है या रूम में अगर आप बैठे हो उसमें लाइट जल रही है, कौन सी ज्यादा जोर से लगती है? टॉर्च लगती है ना, वो फोकस होके आती है। दूसरे वाले केस में वो पूरे में फैल गई है तो इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हमें ब्राइट इमेज मिल रही थी, बिल्कुल सही। अब वो जब लाइट फैल गई है पूरे में तो ब्राइट नहीं मिल रही है, हमें धुंधली मिल रही है फिर। और धीरे धीरे अगर हम इस कैटरैक्ट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो जो व्हाइट पार्ट है वो हमारी आईज को इतना खराब कर देता है कि हमें कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो इसको करेक्ट करवाना टाइम पे बहुत जरूरी है और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। क्लियर है सबको? यस मैम। वो सर्जरी में हमारा जो लेंस है उसको हम रिमूव करके एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं जिसमें कैटरैक्ट का कोई सिम्टम ना। फिर हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस से आपको क्या लगता है क्या होगा? फिर से बोलो। जब हमें कलर में फर्क ना पता चले, जैसे ऊपर हमारे पास क्या बना हुआ है ये तो बता दूं, क्या बना हुआ है? एप्पल बना हुआ है। कौन से कलर का होता है एप्पल? रेड। रेड रेड कलर का होता है ना। अब पहाड़ी एप्पल का कलर भूलोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ पे रेड कलर का है हमारे पास एप्पल है। पर ये कौन सा कलर है? हमें ग्रे पर्पलिश कलर दिखता है। तो अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसके आई साइट में कोई दिक्कत नहीं है, उसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसको वो रेड कलर दिखेगा, ये वाला हिस्सा ग्रीन कलर दिखेगा। पर अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कलर में फर्क नहीं पता लगा। क्या मतलब है? हमारी आईज में रॉड्स और कोन्स थे जिनका काम था हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाना। अब कुछ आईज में क्या होता है, उससे पहले ये देखते हैं, रॉड्स जो हैं वो डिम लाइट में काम करते हैं कि वही वो डिम लाइट में जो भी डिफरेंस है वो बताएंगे। पर कोन्स जो हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं, मतलब कोन्स हमें कलर में फर्क पता लगाते हैं। आप अंधेरे में कलर नहीं पता लगा सकते ना कि रेड है या फिर पर्पल है। तो हम लोग क्या है, जैसे रोशनी आती है तब हम पता लगा सकते, वो भी किसके कारण? कोन्स के कारण। अब कोन्स हमारे पास काम करता है, हमारे पास तीन मेन कलर है रेड ग्रीन ब्लू। इनको अलग अलग लेवल में, जैसे अगर मैं रेड और ग्रीन को मिक्स कर दूंगी तो डिफरेंट कलर बन जाएगा, ग्रीन और ब्लू को मिक्स कर दूंगी तो डिफरेंट कलर, लाइट ग्रीन है डार्क ग्रीन है कौन सा ग्रीन। पर अगर हमारी आईज में कोन्स की कमी हो जाए, मान लो एक ऐसे कोन्स गायब है जिनको ये पता लग रहा हो कि रेड कलर, तो उस सिचुएशन में उस आदमी को रेड कलर कभी भी पहचान में नहीं आएगा। उसको रेड की जगह कुछ भी दिख सकता है, हो सकता है उसे ग्रे दिख रहा हो सकता है उसकी जगह वाइट दिख रहा हो, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर से कौन से कोन्स के सेल गायब। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये डिजीज आगे कह रहे हैं, ऐसा नहीं आपने खाया पिया उसे हो गया, आपने स्क्रीन देखा उसे हो गया, नहीं, ये आपकी जीन्स में होती है। मतलब जब आप बॉर्न होते हो आपके डीएनए में आती है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ऐसे इंसान को हम लाइसेंस नहीं दे सकते गाड़ी चलाने का, बाइक चलाने का, कुछ। आप उसका रीजन बता सकते हो? यस मैम। यस मैम, जब ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं मैम। बिल्कुल करेक्ट। अब उसको यही नहीं, बिल्कुल करेक्ट। अगर वो एक वहां पे रेड लाइट पे खड़ा है और उसको पता ही नहीं चल रहा है वो रेड है ग्रीन है येलो है कौन सी है, तो वो तो चलता रहेगा और सामने से गाड़ी आके ठोक देगी या वो किसी और को ठोक देगा। तो उस सिचुएशन में हम उसे सिग्नल तो कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा है तो हम उसे लाइसेंस नहीं दे सकते। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। यस। अब जैसे यहाँ पे इमेज बनी हुई है कि रेड की जगह हमें पर्पल ग्रे आप लोग को जो लग रहा है कलर वो कलर दिख रहा है, जरूरी है हमेशा कोई कुछ बोल रहा है?
जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसा ही हो सकता है. किसी को रेड की जगह व्हाइट दिख रहा हो, वो हर इंसान पे डिफर करेगा कि किसको कौन सा कलर दिख रहा है. क्लियर है सबको? यस मैम. फिर हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया. अब आपको मान लो एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको देखना है. इमेजिन करो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है. फिर आपके सामने एक यहाँ पे एक बच्चा है और उसके थोड़ा सा दूर जाके एक बोर्ड है, ठीक है. अब आपको तो ये दोनों साथ में दिखेंगे, ऐसा थोड़ी आपकी आंख सिर्फ इसको देख सकती, इसको नहीं देख सकती, दोनों साथ में देखेंगे. अब हो सकता है आपको ये बच्चा क्लियरली दिख रहा हो, ये बोर्ड क्लियरली ना दिख रहा, वो धुंधला दिख रहा, या हो सकता है आपको ये बच्चा धुंधला दिख रहा हो पर वो बोर्ड क्लियरली दिख रहा हो. जैसे आप फोन में फोटो खींचते हो उसमें एक मोड होता है जैसे पोर्ट्रेट मोड, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो ना कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और सिर्फ आप पे फोकस हो जाए, आप हीरो बन जाओ, होता यस मैम. है ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हो सकता है आपकी आईज पास की चीज पे फोकस कर पा रही है, दूर की पे नहीं कर पा रही, या दूर की पे कर पा रही है और पास की पे नहीं कर पा रही, या हो सकता है आप दोनों पे ही नहीं कर पा रहे, ना पास की ना दूर की. तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया. जब हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे हमारा जो प्यूपिल है उसको वो एडजस्ट कर पाती है, पर विद टाइम विद एज जो हमारी सिलरी मसल्स थी वो काम करना थोड़ा कम कर देती हैं, उस केस में हमें प्रेस बायोपिया होता है जब हमें ब्लर्ड दिखता है. अब वो दोनों सिचुएशन में हो सकता है, पास के में भी दूर के. अब ऐसे केस में मोस्टली हम लोग बायफोकल लेंस यूज करते हैं. बाय का मतलब होता है दो और फोकल लेंस का मतलब हमने देखा जैसे कनकेव और कन्वेक्स लेंस. अब इसमें क्या होगा, ये मेरे पास लेंस है, उसका ऐसे नीचे का हिस्सा ऐसे सर्कल होता है, कुछ में स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है. आपने अगर देखा होगा किसी बड़ी उम्र के चश्मों में तो वह इस शेप का होता है, किसी ने नोटिस करा है कभी ऐसे? मैम नीचे वाला कन्वेक्स होता है. यहाँ पे हमारे पास दो चश्मे लगे, क्या फायदा है अगर मान लो आपके पास की भी दूर की नजर कमजोर है, हर टाइम चश्मा क्यों नहीं बदलते रहो, अरे रुक जा मेरे को पास का देखना है, मेरे को चश्मा नहीं, अब रुक जा मेरे को दूर का देखना है, चश्मा, तो आप तो ऐसे परेशान ही होते रहोगे. तो उस केस में हमारे पास एक नई सिचुएशन आ गई बायफोकल, उससे हम पास का भी देख सकते हैं दूर का. कैसे? ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमें पास का देखने में हेल्प करता है और जो ऊपर वाला है वो दूर का देखता है. जैसे अगर आपने देखा होगा जो आपके स्कूल में बड़ी एज की टीचर्स होती हैं, वो चश्मा हमेशा नाक पे रखते हैं, फिर पेपर चेक कर रही होती, देखा है? यस यस मैम. है ना? और जब फिर उन्हें आपको देखना होता है तो वो चश्मा ऊपर कर लेते हैं कि कौन बोल रहा है ना. तो बिल्कुल वही सिचुएशन, जब हमें पास का देखना है हम इस नीचे वाले हिस्से से देखते हैं, जब हमें दूर का देखना है तो हम ऊपर वाले हिस्से से देखते हैं. तो अगर हमें पास का देखना होता है तो कौन सा चश्मा लगाते हैं हम लोग? कन्वेक्स. कन्वेक्स. तो ये नीचे वाला हिस्सा कन्वेक्स होता है और ऊपर वाला कनकेव, ये दोनों का मिक्सचर है और हमें हेल्प करता है ताकि हम दोनों चीजें एक टाइम पे देख पाए. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगी मैं. सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिजीज के कारण हम बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं? हाइपर मायोपिया. हाइपर मायोपिया. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सब लोग एक पे बोलो. मैम बी. बी. मैम बी. बी ऑप्शन. मैम अगले का भी बी. मैम बी. बी ऑप्शन. फिर अगले का क्या होगा? बायफोकल लेंस इसके लिए यूज होता है. मैम बी. मैम बी. मैम बी. प्लस बायोपिया. और मैम अगले का भी बी. अगले का भी. सबका आंसर सही है. अच्छा देखो यहीं पे बताओ मायोपिया को और क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस. और हाइपरमेट्रोपिया को? फार साइटेडनेस. क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. तो ये आपके लिए दो क्वेश्चन है होमवर्क के. अब रिवाइज करते हैं एक बार. हमने क्या पढ़ा? हमने आज कुछ डिजीज के बारे में पढ़ा. सबसे पहले थी मायोपिया. इस केस में क्या हो रहा था? इमेज रेटिना के आगे बन रही थी या पीछे? आगे मैम. आगे.
आगे कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव 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 इसमें हमारी फोकल लेंथ कम हो रखी होती है बड़ी भी होती है? कम कम हो रखी। अच्छा। फिर हमारे पास आया था हाइपरोपिया, उसमें क्या बनती है, रेटिना के आगे या पीछे? मैम पीछे पीछे पीछे। कौन सा लेंस? कन्वेक्स कन्वेक्स। इसमें क्या कमी होती है, क्यों यूज करना पड़ता है? फोकल लेंथ बड़ी भी, कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है। अच्छा, पावर पॉजिटिव किस में होती है, नेगेटिव किस में होती है? मैम कन्वेक्स में पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव। कनकेव में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। फिर हमने देखा था कैटरैक्ट क्या होता है उसमें? मैम आंखों का जो लेंस है वो क्लाउडी जैसा हो जाता है। करेक्ट, क्लाउडी हो जाता है। और इसका क्या ट्रीटमेंट है? सर्जरी सर्जरी ऑपरेशन ऑपरेशन। फिर हमारे पास आया कलर ब्लाइंडनेस, उसमें कौन से दो सेल है जो काम करवाते हैं? रॉड और कोन। किसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है? कोन 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 की कमी से। कोन सर ठीक, ये किसके कारण होता है मैम? क्या किसके कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस मैम? कोन सेल्स जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। यस मैम यस मैम। फिर हमारे पास आया था प्रेसबायोपिया, ये किसके कारण होता है मैम? जब आईज मसल वीक हो जाते हैं, वीक मसल्स। और इसमें कौन सा चश्मा लगाना पड़ता है? बाइफोकल लेंस बाइफोकल। अब इसमें नीचे वाला हिस्सा पास का होता है, दूर का? कन्वेक्स मैम, नजदीक का। पास का नजदीक, पास का और कन्वेक्स, और ऊपर वाला होता है दूर का और कनकेव। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम यस मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम नो मैम। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है कुछ भी? नो मैम नो मैम। क्या फॉर्मूला था फिर टोटल फोकल लेंथ का? 1/f = 1/f1 + 1/f2 करेक्ट, 1/f = 1/f1 + 1/f2 और पावर का? पावर का मैम 1/f होता है और यहाँ पे हो जाएगा p1 + p2 सबको। यस मैम यस मैम यस मैम। अगर मेरे पास दो लेंथ है, एक की पावर है -12d और एक की पावर है +2d, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? बताओ मैम। कोई मेरे पास दो लेंथ है, एक -12 का है एक +2 का है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल पावर कितने की होगी? 10d -10 करेक्ट, -12 + 2 हो जाएगी -10। इसका मतलब वो कण के डाइवर्जिंग एक्ट करेगा या कन्वर्ज? डाइवर्जिंग। और इसकी अगर फोकल लेंथ निकालनी हो तो मैम इसको पावर वाले फॉर्मूले में डाल देना। करेक्ट, 10 = 1/f, तो f हो जाएगा 0.1। ये क्लियर हुआ? यस मैम। और मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा? मैम मीटर मीटर आएगा। और कितना सेंटीमीटर हो जाएगा ये? मैम 10 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम यस मैम। ओके क्लियर है, तो फिर इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में सब लोग यहाँ तक प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है? यस मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम, गुड नाइट मैम। खुशी आप कुछ बोल रहे हो बच्चे? ठीक है, खुशी, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट मैम।